2019 के आम चुनाव में लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर बासगांव चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा खर्च किए गए निर्वाचन संबंधी व्यय लेखा रजिस्टर जमा किए जाने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को लेखा समाधान बैठक आयोजित की गई, जहां पर एक मौका देते हुए बैठक की तिथि में संशोधन के संबंध में प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के साथ एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें व्यय लेखा समाधान 30 जून तक प्रत्याशियों को चुनाव का पूरा खर्च देने का निर्देश दिया गया। बैठक के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया। फैसिलिटेशन ट्रेनिंग है कि आपको कहीं रजिस्टर फोन करने में कोई कठिनाई हो रही हो, समझ में ना आ रहा हो, तो हमारे जो लेखा टीम है, सहायक निरीक्षक हैं, हम लोग बैठे हैं, आप इसमें मदद करेंगे। और अभी आपको एक बार और तकलीफ देंगे, 18 जून को 11 बजे दोनों लोकसभा क्षेत्र के हमारे आप निर्भर रहेंगे, जिलाधिकारी महोदय रहेंगे और हम लोग भी रहेंगे, उस दिन लेखा समाधान बैठक होगी। प्रत्याशियों को अंतिम अवसर दिया जाता है कि यदि किसी बिंदु पर कोई असहमति है आपके और जिला निर्वाचन अधिकारी के बीच में, तो उसका अंतिम अवसर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लें कि आज हमारे कौन कौन से प्रत्याशी एजेंट यहाँ पर आए हुए हैं। गोरखपुर में है श्री जयप्रकाश मिश्रा, राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया आए हैं। श्री सुभाष चंद्र दुबे आए हैं। श्री जितेंद्र कुमार, डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह, सारे हिंद फोरम की जो लेखा टीम प्रभारी है, तो जरा एक बार उनको टेलीफोन कर लें। डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, डॉक्टर आशीष कुमार सिंह की भी जो लेखा टीम प्रभारी है, वो उनको टेलीफोन करके देख लें। श्री श्याम नारायण कांग्रेस से आए हैं, सपा से भी आए हैं, भाजपा से भी आए हैं। बास का पुनः तकलीफ करेंगे 18 जून को 11 बजे, जिसमें आप जरवर साहब रहेंगे, यदि आपकी कोई शंका है तो उसमें समाधान हो जाएगी, और यदि आपका रजिस्टर हुआ है तो आज जमा हो जाएगा। उस रजिस्टर के साथ एक एफिडेविट है आपके रजिस्टर पे, जिस पर प्रत्याशी के ही दस्तखत होंगे। बाकी काम के लिए आपने अपने एजेंट नामित कर रखे थे, लेकिन 84 पेज से ये सार विवरण है आपका, तीन भाग में है, भाग एक, भाग दो, भाग तीन, और उसके बाद अनुसूची शुरू होती है। लोकसभा निर्वाचन 2019 में जो लोकसभा क्षेत्र 64 और लोकसभा क्षेत्र 64 बासगांव में कैंडिडेट्स थे, उन लोगों का लेखा जोखा व्यय रजिस्टर की जांच की जा रही है और इसे पूर्ण करा के आयोग को 30 दिन के अंदर भिजवाना होता है, उसी का परीक्षण किया जा रहा है। सारे प्रत्याशी हाँ आज समस्त आए थे।